हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 19 और इसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एक पार्ट यानी कि हाफ एडर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस लेक्चर सीरीज के आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर इस सीरीज को और बाकी सब्जेक्ट्स पर जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड लेसन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहते हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको पता है। मैंने माइक्रोप्रोसेसर में भी ये डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस की या फिर एडिशन क्या होता है। तो एडर्स के बारे में आप अगर डेफिनेशन वाइज समझना चाहें तो एडिशन है, एडर्स क्या है, सॉरी, आपके एडर्स बेसिकली आपके कॉम्बिनेशन है लॉजिक गेट्स के जो कंबाइन करते हैं आपके बाइनरी वैल्यूज को टू ऑब्टेन अ सम। कोई भी सम आपको चाहिए कि नहीं बाइनरी वैल्यूज का, तो उसके लिए हम एडर्स का यूज करते हैं। अब बेसिकली इनको हम क्लासिफाइड भी करते हैं, उसी के आधार पर हम हाफ एडर फुल एडर्स वगैरह की बात करते हैं। तो क्लासिफाई कैसे करते हैं कि इनकी एबिलिटी क्या है कंबाइन करने की डिजिट्स को, यानी कि आप ये टू बिट्स को आप पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, थ्री बिट्स पर कर सकते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंगली इनको हम क्लासिफाई भी करते हैं। और जो सिंपल एडिशन में है उसमें ऑपरेशन में आपको पता है क्या होता है, जैसे 0+0 है ये 0 होगा, 0+1 है तो ये 1 है, 1+0 है तो ये 1 होता है और 1+1 है तो ये 10 होता है। ये इसका बेसिक ऑपरेशन होता है। अब आप अगर फर्स्ट थ्री को देखेंगे, इन तीन ऑपरेशन में आपकी सम आ रहा है लेकिन उस वो है आपका 1 बिट का, ठीक है। और लेकिन अगर आप फोर्थ ऑपरेशन को देखेंगे तो इसमें जो सम मिल रहा है आपका उसमें आपकी आ रही हैं 2 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आपकी मिल रही हैं। और जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैरी। ये आपको पहले भी कॉन्सेप्ट पता है, मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हाफ एडर्स की। अब हाफ एडर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एडर्स की जो एबिलिटी होती है कि कितने बिट पर वो परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन को, उसी के अकॉर्डिंगली हम एडर्स को डिवाइड करते हैं। तो हाफ एडर में क्या होगा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 2 बिट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 बिट्स पर ये परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम हाफ एडर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे इनपुट्स हैं हमारे और आउटपुट्स हैं। इनपुट्स आपके हो सकते हैं ए एंड बी। आउटपुट में आपको क्या क्या मिलेगा, एक सम मिलेगा और एक कैरी बिट मिलेगी, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एडिशन करके दिखाया तो उसमें सम भी मिल रहा था, कैरी मिल रही थी। तो आउटपुट में हम लिख सकते हैं कि सम एंड कैरी। तो वही सेम हम प्रोसीजर अपनाएंगे इसमें भी कि अगर आपकी दोनों ही इनपुट्स 0 हैं तो सम आपका 0 है एंड कैरी भी 0 है। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई भी एक बिट हाई है या आप कह लें बी हाई है, इस केस में सम आपका 1 होगा, कैरी फिर भी 0 ही रहेगा। और अगर ये 10 हो जाए तो भी आपका सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। उसी तरीके से अगर आपका 11 हो जाए तो सम इस केस में आपका 0 हो जाएगा और कैरी आपका 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दी है। अब ट्रुथ टेबल से हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएंगे सम एंड कैरी के लिए। सम के लिए आप देखेंगे तो आपको जो लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा जिसे आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, तो वो आएगा एक इसके लिए एंड इस वाली फील्ड के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपका क्या है, अगर आपने गेट्स ध्यान से पढ़े हैं तो ये है आपका XOR गेट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ जो कैरी है
यानी कि सी से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका कहाँ मिल रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर हाई है, तो इसके केस मिलेगा ए एंड बी, यानी कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन, या आप कह लें एंडिंग हो रही है ए एंड बी के बीच में। तो अब आपने देख लिया कि आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस तो ये मिल गए हैं, अब इनको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, वही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपसे ट्रुथ टेबल या ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं आप सम के केस में हाफ एडर सर्किट को, तो आप देख लीजिए पहला है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए बार बी और ए बी बार इनके बीच में एंडिंग हो रही है, उसके बाद में आपका हो रहा है ऑरिंग, ठीक है, तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि दो आपके एंड गेट्स लगेंगे, एक को आप कह सकते हैं ए, दूसरा हो सकता है आपका बी बार, बी बार का भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे सिंपली, यानी कि यहाँ पर आपने उसको नॉट किया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्किप किया है, यानी कि ए बी बार हो गया है, उसी के साथ साथ ए बार बी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ए बी बार इसके आउटपुट पर, और यहाँ पर मिल जाएगा ए बार बी, इन दोनों के बीच में हो रहा है आपका सम, तो आप लगा देंगे एक और गेट, तो आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा सम के केस में, वो मिल जाएगा ए बार या ए बी बार प्लस ए बार बी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कैरी के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप, तो कैरी के लिए आपको पता था सी इक्वल टू था ए बी, तो सिंपल यहाँ पर आपको एक एंड गेट लगाना है टू इनपुट, और वो हो गए आपके ए बी, और यहाँ पर आपको जो आउटपुट पर कैरी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये तो था आपका एंड गेट और गेट यूज़ करके, ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं एक्स और गेट का, क्योंकि आपको पता था एक्सप्रेशन ये फाइनली आपका एक्सओआर के लिए है, तो वो भी आपको पता है सिंपल है, एक एक्सओआर गेट लगा लीजिए और इसकी जो टू इनपुट्स हैं वो है आपकी ए एंड बी, इसके आउटपुट पर आपको मिल जाएगा सम ए एक्सओआर बी, और उसी के साथ साथ कैरी के लिए क्या होगा आपका एंड गेट है सिंपल, तो भी आप यहीं से दे दीजिए उसके लिए ए, और ये आपको मिल जाएगा इसी तरीके से बी, तो सी इज इक्वल टू हो गया आपका ए बी, तो ये आपका हाफ एडर सर्किट है। और जो लॉजिक सिंबल होता है वो भी आपको बता देता हूँ, हाफ एडर का क्या होता है याद कर लीजिए, वो है आपका ये, इसको जिस तरीके से हम लॉजिक सिंबल ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब आप कभी किसी सिमुलेटर वगैरह में डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है हाफ एडर का, यहाँ पर आपका सिग्मा यानी कि सम आएगा और यहाँ पर आपका कैरी आएगा, यानी कि जनरली आपके आउटपुट हैं और ये इनपुट्स हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि हाफ एडर को अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट्स तो कितने आपको नैंड गेट्स लगेंगे, कितने नॉर गेट्स लगेंगे, ठीक है, ये तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना होगा इसको नैंड गेट को यूज करके। तो आपको पता है कि सम के लिए आपको जो लॉजिकल एक्सप्रेशन मिला था वो क्या था, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही मिला था ना, तो आपको करना क्या है, अब ये इसमें आप देख रहे हैं तो और भी आ रहा है, ठीक है, और एंड भी आ रहा है, हमें इसको नैंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था नैंड और नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट हैं, उनसे हम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखते हैं इसको ए बी बार प्लस ए ए बार, अगर ये टर्म जोड़ दूँ मैं तो ये जीरो होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पर, उसी तरीके से ए बार बी प्लस बी बी बार, ये मैं कर दूँ तो इन दो टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन पर। अब इन दोनों टर्म्स को लीजिए आप, इन दोनों टर्म्स को लीजिए, जो कॉमन है वो निकाल लीजिए बाहर, यानी कि ए कॉमन है तो अंदर क्या मिल जाएगा आपको ए बार प्लस बी बार, उसी तरीके से यहाँ पर आप कॉमन निकाल लेंगे बी, पेरेंथेसिस के अंदर क्या मिल जाएगा आपको ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो आपको पता है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए एंड
ए बी का होल बार, ठीक है, यानी कि इसको आप ए बी के होल बार को अगर लिखेंगे तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं बी ए बी का होल बार, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमने पूरी बूलियन अलजेब्रा पढ़ी है वो ध्यान से देखा है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू की बात नहीं है। तो यार इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक बार आएगा, इसके ऊपर एक बार आएगा, उसका फिर होल बार आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सभी टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली आपकी कन्वर्ट हो चुकी हैं नैंड में। इसी तरीके से ये तो था आपका सम का केस, और कैरी के लिए क्या करेंगे आप, वो ए बी है तो ए बी को आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर आप देखिएगा कि कितने आपके नैंड गेट यूज होंगे। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को लेके मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं हम नैंड गेट से हाफ एडर्स को। तो चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो सिंपली आपका इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। यहाँ पर आपका ए बी आएगा, और आप फर्स्ट टर्म को अगर देखेंगे तो ये है ए बी और इनके बीच में नेंडिंग है, तो सिंपली आप यहाँ पर नेंड गेट लगा दीजिए, यानी कि आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, ए बी बार। उसी तरीके से आप एक और नेंड गेट लगाइए, और सिंपली ये जो आपकी आउटपुट है यहाँ पर चल जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ए और ए बी बार इनके बीच में भी नेंडिंग हो रही है, तो इसीलिए इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, ए ए बी बार उसका होल बार। सिमिलरली बी के केस में भी हो रहा है, तो बी से भी आप एक यहाँ पर ये इनपुट ले लीजिए और इसकी आउटपुट, और एक फिर से नैंड गेट लगाएंगे तो इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, बी ए बी बार का होल बार। और आप देखेंगे इनके बीच में भी आपका होल के नैंडिंग हो रही है, ये वाला आपका जो बार लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी एक नैंड गेट लगा दीजिए इस तरीके से, तो आउटपुट पर आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। सम के लिए ये हो गया आपका, सम के लिए। कैरी के लिए आपके लिए सिंपल है, वो क्या हो रहा है आपका कैरी के लिए है आपका ए बी बार के मतलब ट्वाइस ये बार है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये वाली आपकी आउटपुट आ रही है इसी को आपको फर्दर नैंड करके यहाँ पर आउटपुट पर मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको ए बी बार का होल बार, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको कैरी के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम हाफ एडर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग नैंड गेट्स, तो कितने नैंड गेट्स आपके यूज हो रहे हैं, तो आप काउंट करेंगे तो टोटल है 5 नैंड गेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अराइज होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 नैंड गेट्स आपके यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से आप नॉर के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका क्या था, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उतनी डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे, आप खुद से कर सकते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नॉर के लिए भी आप ध्यान रखिएगा कि नॉर के लिए भी आपके 5 नॉर गेट्स यूज होते हैं अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हाफ एडर्स को। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और फेसबुक और ट्विटर पेज को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।